इनको लेके मैं आई हूँ बाहर। जल्दी से इनको सुबह खिला दिया है और अभी ये मेरे साथ बाहर है। अभी थोड़ी देर में अंदर जाऊंगी और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूंगी। बहुत दिनों के बाद बाहर लेके आई उनको, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे को ना, तो इसलिए मैंने आज पूरी बनाया है, पूरी के साथ दाल। डॉग अगर कोई है तो ये है। देखो मैं बाहर से घूम के भी पर ये नहीं उठी, ये अपने मतलब मस्त है, सोई हुई है। शी नेवर गेट्स अप। हाँ अभी उठ रही है, देख रही वीडियो बन रही तो उठ गई। देखो इसको भी वीडियो का बड़ा शौक है, वीडियो में आ रहा है। देखो अभी ऐसे पोज दे के बैठ गई जैसे कैमरा लेकर होना, तो ऐसे ऐसे पोज दे। फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ ये पुई शाक। तो ये सारे वेजिटेबल्स मिला के मैंने बना लिया है, ये सारे कटिंग वगैरह हो चुका है। इसको बॉयल करूंगी और इसमें बस नमक हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह मिक्स करके इसको डाल दूंगी साग में, और लास्ट में थोड़ा सा चीनी ऐड कर दूंगी। कई बार यू नो बंगालीज इसमें थोड़ा सा यू नो फिश वगैरह भी ऐड करते हैं, तो आप फिश के बिना भी ऐड कर सकते हो, फिश के बिना भी कर सकते हो ये वाला रेसिपी। सो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इसके साथ में राइस अच्छे से खा सकती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत सारा लेके आए थे ये साग, और एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, पता ही ऑफिस का काम है वो भी है, तो कई बार तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड जो भी रेसिपीज़ है, ये मैं संडे के दिन करूँ। तो ये मैं कर रही हूँ संडे के दिन, और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है ये वाला रेसिपी। आए उसको पता चल गया कि आए, इसीलिए अभी थोड़ा पका। अरे आगे आ जाएंगे ऊपर, 2 मिनट रुक जा, इसी चल रहे दरवाजा नहीं खोल सकती, 2 मिनट रुक जा। और कल तो यहाँ क्या कर रहा, मैं कल ना वो तूफान आया था, बारिश भी बहुत हुई थी। मैंने अभी अभी कॉल भी की मम्मी को कि सब कुछ ठीक है कहीं, तो वहाँ पे हम जहाँ पे मेरे जहाँ पे घर है वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है आपका वो सुंदरबन उस साइड ज़्यादा होता है। हर बार ना हर साल ही होता है, पिछली बार आई अम्फान वगैरह आया था, इस बार ये वाला जैसे ना कितने लोगों के घर वगैरह उजड़ गए, जो लोग ज़्यादातर सी शोर के टाइप सामने रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो जो हट्स में रहते हैं, देखो काफ़ी लोग हैं जो विलेज एरिया में रहते हैं, हट्स वगैरह में रहते हैं, सारा उड़ा के ले जाते हैं। मतलब ऐसे तूफान आते हैं तो कुछ भी नहीं बचता लोगों का, जो भी मतलब पैसा है सारा ऐसे ही चला जाता है। पता नहीं यार हर साल ये हो रहा है, स्पेशली वेस्ट बंगाल के साइड ही हो रहा है ये। कल आई थिंक आज न्यूज़ पे आया कि आज वो बिहार में भी होगा, तो बिहार में भी हमारी एक रिलेटिव है जो वहाँ पे रहता है। तो मतलब कल को रात को भी मैं ज़्यादा सो नहीं, जब मैं ऐसे न्यूज़ सुनती हूँ ना फिर मुझे सच में रात को नींद नहीं आती है, और मैं मतलब सोचती रहती हूँ कि यार उसी के बारे में। फिर आज मैंने फ़ोन किया, पता चला फिर कि ऐसा ऐसा कि अभी ठीक है, वहाँ पर लाइट नहीं थी काफ़ी टाइम तक, लाइट नहीं थी, बट अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो मतलब थोड़ा सा शांति हुआ है कि चलो सब ठीक है।